हेलो फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1250 स्क्वायर फीट आप लोग स्लाब का कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो तो आप लोग को मटेरियल और लेबर कॉस्ट आप लोग को कितना देना पड़ेगा अभी 2022 में, तो इसी वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी वीडियो को लास्ट तक देखिए जिसके कारण आप लोग सारा का सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग 1250 स्क्वायर फीट का आप लोग स्लैब का कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग को जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा स्लैब का एरिया हो गया मेरा 25 फीट × 50 फीट का, मतलब 1250 स्क्वायर फीट का मेरा स्लैब का एरिया है। तो आप लोग का जितना भी साइज है आप लोग का 1250 स्क्वायर फीट आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा सीमेंट सैंड एग्रीगेट स्टील जो मेरा लगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पहला हमारा आ गया क्या सीमेंट, सीमेंट हमारा लगा 110 प्लस बीम में आप लोग का जो स्लैब बीम हम लोग कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को 19 बैग लगा। ठीक है, तो टोटल आप लोग का कितना हुआ, तो टोटल आप लोग का हुआ 100 129। ठीक है, 129 बैग आप लोग का लगा। ठीक है, तो अभी सीमेंट का प्राइस हमारा है, ठीक है, अभी हमारा सीमेंट का प्राइस कितना है, अभी हमारा सीमेंट का प्राइस है 400 रुपया। तो वहाँ पर आप लोग का टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आप लोग का 51,600 रुपया आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो सैंड लगा, सैंड आप लोग का 263 प्लस 46। ठीक है, तो मतलब 263 आप लोग का स्लैब में कास्टिंग हुआ और 46 हमारा बीम में लगा। ठीक है, तो टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 309 CFT। ठीक है, 309 CFT हमारा लगा, तो 300 per CFT मेरा वहाँ पे मतलब साइड के हिसाब से आप लोग का काम नीचे हो सकता है, मेरा वहाँ पे 62 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा सैंड। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 309 × 62 मतलब पर सीएफटी आप लोग को 62 रुपये पड़ेगा, तो ये आप लोग को मिल जाएगा 19,158 रुपये में। ठीक है, 19,158 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग का एग्रीगेट आप लोग का कितना होगा, तो एग्रीगेट आप लोग का लगा कितना, 401 CFT प्लस स्लैब में और 70 CFT आप लोग का बीम में। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग का कितना हो गया, ये हो गया आप लोग का 471। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 68 per CFT के हिसाब से मिला, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 32,028 रुपया। ठीक है, 32,028 रुपये मेरा लगा क्या टोटल कॉस्ट। अभी जो मेरा स्टील लगेगा, स्टील मेरा लगा स्लैब में 934 kg प्लस 315 kg मेरा लगा बीम में और उसका जो रिंग लगा मेरा 78 kg। ठीक है, तो ये टोटल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1367। ठीक है, तो अभी स्टील थोड़ा कम घट गया है। ठीक है, लोकल ब्रांड आप लोग को 70 रुपये मेरे को 70 रुपये मिल गया। ठीक है, आप लोग ब्रांड यूज करेंगे तो 80 से 90 के बीच में आप लोग को पर केजी के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो 367 × 70 आप लोग करेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 95,690। ठीक है, इतना आप लोग को लग जाएगा क्या स्टील में। ठीक है, उसके बाद आप लोग का शटरिंग प्लस लेबर कॉस्ट, तो आप लोग को जो शटरिंग और लेबर कॉस्ट आप लोग को जो पड़ेगा, ठीक है, ये 45 to 55 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग का लगेगा क्या आप लोग का जो लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे आप लोग का तमिलनाडु हो केरल, वहाँ पे आप लोग का ज़्यादा कॉस्ट रहता है। ठीक है, बट एवरेज इंडिया का बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 45 रुपये से लेकर 55 रुपये आप लोग का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का कितना होगा, तो 56,000। ठीक है, 1250 मेरा एरिया है। ठीक है, × 45 ले रहा हूँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 56,250 रुपये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मेरा कितना होगा, तो टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 254,726 रुपये मेरा आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अभी आप लोग का स्टील में थोड़ा काम हो गया तो इसी के कारण आप लोग घर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना ही खर्चा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये जो रेट बताया हूँ आप लोग का मार्केट के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग आप लोग को 2-2.5 लाख आप लोग को लगेगा, क्या 1250 स्क्वायर फीट स्लैब आप लोग कास्टिंग करेंगे तो इतना ही आप लोग को लगेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।